हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिनामी कल्चर में पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में। पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करें, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिनामी कल्चर में पॉन्ड प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। पॉन्ड प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं हुआ तो सर्वाइवल ठीक ठाक नहीं मिलेगा। पॉन्ड प्रिपरेशन ठीक ठाक हुआ तो अच्छा सर्वाइवल मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पॉन्ड प्रिपरेशन। मैं आप लोगों को टोटल 15 डेज का पॉन्ड प्रिपरेशन बताऊँगा, ये फॉलो करोगे तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करना है, पहले आप पॉन्ड आपका जो पॉन्ड है से पानी बाहर निकाल के पूरा तरीके से ड्राई करना है। फिर क्या करना है, कोली चून अप्लाई करना होगा पॉन्ड में। फर्स्ट कोली चून आप 1000 एरिया में 100 किलो कोली चून अप्लाई करो, ठीक है। उससे पहले आप मिट्टी का पीएच चेक करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पीएच थोड़ा कम रहेगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, और पीएच हाई होगा तो कम देने में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा पीएच चेक करना पड़ेगा। तो कली चून इस्तेमाल करो 1000 में 100 किलो करके। फिर कुछ दिन के बाद आप पानी डालो, ब्लीचिंग करो 1000 में 60 केजी करके, ठीक है। ब्लीचिंग हो गया, ब्लीचिंग करने के बाद एक दिन रेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट डे आप कॉपर सल्फेट यूज़ करोगे, कॉपर सल्फेट 1000 में 4 केजी। उसके बाद नेक्स्ट डे बीकेसी होगा, बीकेसी 1000 में 1 लीटर करके यूज करो। फिर नेक्स्ट डे जियोलाइट और गैस का मेडिसिन, जियोलाइट 1000 में 5 केजी, और गैस का मेडिसिन अब कोई भी कंपनी का गैस का मेडिसिन यूज कर रहे हो तो उसे 200 से 300 ग्राम करके बालू के साथ इस्तेमाल करो, ठीक है। और पर डे एरिएशन चेनिंग और एरिएशन होना चाहिए पर डे स्टॉकिंग का पहला दिन तक, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे आप डोलोमाइट यूज करोगे, डोलोमाइट 1000 में 30 किलो, लेकिन 15 किलो आप दिन में यूज करो और 15 किलो रात में यूज होगा। डोलोमाइट के साथ आप कोई भी मिनरल्स ऐड कर सकते हो, आप जो मिनरल्स यूज कर रहे हो कोई भी मिनरल्स। और वाटर में ज़्यादा आयरन है तो आप EDTA 1000 में 1 किलो करके यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके एक दिन बाद जूस होगा। जूस में खोइल, बादाम खोइल, ईस्ट 300 ग्राम, बादाम खोइल 2 केजी, आटा 1 केजी, और गुड़ 4 केजी, उसके साथ प्रोबायोटिक 100 ग्राम, ऐसे करके आप जूस भिगाओ, ठीक है। जूस हो गया, फिर एक दिन रेस्ट होगा, सिर्फ चेनिंग और एरिएशन होगा। फिर एक दिन के बाद और एक डोलोमाइट का डोज होगा, सेम 1000 में 30 किलो करके, दिन में 15 किलो और रात में 15 किलो। फिर डोलोमाइट के बाद और एक जूस होगा, जूस हो गया, फिर उसके बाद सॉइल प्रोबायोटिक होगा। सॉइल प्रोबायोटिक के बाद अब लैब में वाटर भेजोगे लैब टेस्ट करने के लिए वाटर, ठीक है। तो टेस्ट के बाद क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए उसके हिसाब से
यूज होगा। फिर स्टॉकिंग का पहला दिन आप वाटर प्रोबायोटिक करो, ठीक है। फिर स्टॉकिंग हो गया, वाटर प्रोबायोटिक के बाद स्टॉकिंग हो गया। ये है फुल्ली 15 दिन का जो फंड प्रिपरेशन मैं बताया आपको, ठीक है। और आई होप इस वीडियो से आप लोगों का बहुत अच्छा हेल्प होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।